गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार। योग योग हमारे जीवन को, हमारे शरीर को न केवल अंदर से बल्कि बाहर से भी स्वस्थ रखता है। इफ यू वॉन्ट टू लिव अ हेल्दी लाइफ एंड ए स्ट्रेस फ्री लाइफ, देन प्लीज डू योगा डेली। आज मैं आपके सामने जो लेकर आई हूँ वो है उष्ट्र आसन, जिसे कैमल पोज भी कहा जाता है। और आसन करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जब भी हम ऊपर की तरफ आसन करते हुए जाते हैं, हमें इनहेल श्वास अंदर खींचनी चाहिए, और जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो श्वास हमें एक्सहेल छोड़नी चाहिए। सुबह के टाइम अगर हम कोई आसन करते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट्स देता है हमें, लेकिन अगर टाइम नहीं होता, हम इवनिंग में करते हैं समय के अभाव के कारण, तो हमें खाने के बीच में और योगा के बीच में 3 घंटे का अंतराल गैप रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम उष्ट्र आसन। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी उष्ट्र आसन के बेनिफिट्स और प्रिकॉशंस। बेनिफिट्स ये होते हैं कि ये हमारी नेक, हमारा बैक, हमारी चेस्ट और हमारा जो लोअर एब्डोमिनल है उस रीजन को फ्लेक्सिबल रखता है। इट स्टिमुलेट्स द फंक्शनिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड, जिसे भी थायराइड जैसी प्रॉब्लम होती है उसमें, उसके लिए बहुत अच्छा है। इट इम्प्रूव्स डाइजेशन एंड बेनिफिशियल फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम सच एज ब्रोंकाइटिस एंड अस्थमा। इट एक्टिवेट द ब्रेन सेल्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इट रिड्यूस फैट। बट देर आर सम प्रिकॉशंस ऑल्सो। सबसे पहले हमें कैमल पोज करते हुए एक नॉर्मल ब्रीथ लेना चाहिए, हमें लॉन्ग और डीप ब्रीथ नहीं लेना चाहिए। और जो लोग लो ब्लड प्रेशर है, जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर है, इंसोम्निया है, माइग्रेन है, ऐसे लोगों को अवॉइड करना चाहिए कैमल पोज। तो चलिए मैं करके बताती हूँ किस तरीके से करना है। पहले आपने दोनों नीज पर बैठ जाना है, दोनों हाथों को पीछे ले जाते हुए थोड़ी देर होल्ड करना है। वापस आ जाएंगे। याद रखिएगा, बॉडी को स्टिफ नहीं रखना है, बिल्कुल अपने हेड को लूज छोड़ देना है। तो प्लीज ये प्रैक्टिस करिए, कल फिर हम मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।